बेगूसराय जिले के मटियाहानी प्रखंड कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर की कुर्सी खाली पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि आरटीपीएस कर्मी की मनमानी चरम सीमा पर है। जब चाहे वह अपना कार्य करते हैं, जब चाहे वह अपना कार्य छोड़कर घूमने के लिए चले जाते हैं। आरटीपीएस कार्यालय के काम से जो भी लोग आते हैं, वो यहाँ घंटों इंतजार करके चले जाते हैं। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए गोपाल कुमार की रिपोर्ट। जी नमस्ते। नमस्ते चंदन जी, आप ही का नाम है? अच्छा, वहाँ वो काउंटर पे कौन बैठे हुए हैं? वो काउंटर पे, वो काउंटर अभी कुर्सी खाली, वहाँ पे कौन बैठते हैं? बाबा छुट्टी में गए हैं क्या? तो हाँ, उनके जगह पे कोई और हैं कि नहीं? कोई नहीं है। कौन देख रेख कर रहे हैं? वो बोले आपका नाम, आप बोल रहे हैं उनका नाम। वो बोले जी चंदन जी देख रेख कर रहे हैं वो काउंटर का। क्या लेना? क्या हाँ लेना सर? वही पूछ रहे थे वहाँ पे कौन बैठे हुए, क्या लेना। हम सब परेश से हैं, बीटी न्यूज बिहार से आए हुए हैं, ठीक ना? हाँ। जी लेना कुछ नहीं, आपसे कुछ बात करना है। तो बात ये करना है, जब वो काउंटर खाली है तो वहाँ क्या जिम्मेदारी किनके ऊपर है, ये पूछ रहे थे। तो अभी आप कैसे बोले जो वो उनका जिम्मेदारी है? अभी आप कहाँ थे सर, कहाँ गए थे? फिर भी किस लिए गए थे, कुछ रीजन होगा ना? काउंटर आपका खाली था, यहाँ से दो तीन लोग सर, दो तीन लोग यहाँ से घूम के गए, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। अब क्या चीज का था कुछ आपसे, जो आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? घूम के गए तो आपको जानकारी होगा ना, क्या चीज के लिए घूम के गए? वो कुछ पेपर बनवाने के लिए आए थे। अब वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर आपसे बनवाने के लिए आए थे। सर नहीं, वो आपके आपसे ही मिलने के लिए आए थे। तो अरे वो आपसे मिलने के लिए आए थे, ये काउंटर पे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए थे। आप यहाँ पे नहीं थे सर, अभी 5 मिनट में थे, इससे पहले एक घंटा। आप नहीं थे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? चंदन जी आप क्या हैं? अच्छा आप चंदन जी, क्या नाम है आपका? सर एक मिनट बोलिए ना, क्या नाम है? क्या चंदन जी, और किस कार पर आप कार रहते हैं? कार पालक सहायक। कार जी पालक सहायक हैं क्या? अच्छा ठीक है चंदन जी। अरे आप अपना नाम बताइए, वो तो अभी ड्यूटी कर रहे हैं उनको। वो ड्यूटी कर रहे हैं और आप अभी बाहर घूम रहे थे, सावन का महीना है ही, और बाबा का आज सावन का महीना है ही, और आज सोमवार है, तो घूमने का काम है। एक घूमने के लिए देवघर आप भी घूम सकते हैं। अरे बिहार में बाहर है और सुशासन बाबू सरकार है, आप सब बैठ के मजे लीजिए कुर्सी पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। सैलरी मिलेगा, बस बैठ के इसी तरह घूमते रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चंदन जी कोई दिक्कत नहीं, काउंटर इनका खाली है और ये बोले हम बाहर घूमने के लिए गए थे। अब जब इनसे पूछे तो आप कौन हैं, क्या हैं, नहीं हैं, और इस ढंग से आप ये बात चंदन जी बात कर रहे हैं, तो आप इनका काउंटर जो है आप ये देख सकते हैं। और ये सब देखिए, जो काउंटर चालू है और जिन काउंटर पे एक चंदन जी बैठे हुए हैं, उनका काउंटर चल रहा है, अच्छे तरह से चल रहा है। और यहाँ पर कुछ युवक भी लाइन में लगे हुए हैं, काम करवा रहे हैं। लेकिन ये महोदय जो हैं, ये चंदन जी अपने आप को बता रहे थे और ये बाहर घूम रहे थे। एक काउंटर खाली है और जिसका जिम्मेदारी इनको ही मिला हुआ था, और लेकिन वो भी काउंटर देखने की वजह से ये अपना काउंटर भी नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तब तक बने रहे बीटी न्यूज़ वहाँ पे। हम थोड़ा देर पहले आए थे, आधा घंटा पहले, तो EWS के काउंटर पर वो नहीं थे। काउंटर छोड़ के कहीं घूमने के लिए गए थे क्या? हाँ नहीं थे, काउंटर खाली था तो घूमने गए। तो आप फिर लौट के चले गए? हाँ हम लौट के गए, बगल वाले से पूछे तो बोले ये चीज़ लाए हैं, जो जो चीज़ बोला बताए डॉक्यूमेंट्स, हम गए लेके आए, तब फिर आए देखे तब हैं। इससे पहले हम आए थे तो नहीं थे। घूमने के लिए चले जाते हैं छोड़ के क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। किस काम के लिए आए थे? EWS बनवाने के लिए। क्या? EWS बनवाने के लिए। एक धमकी और दे रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो काम ये करके छोड़ चुके हैं। मतलब हम पत्रकारिता कर रहे हैं स्वतंत्र रूप में, और हम पत्रकारिता कर रहे हैं स्वतंत्र रूप में, और ये कह रहे हैं हम पत्रकारिता करके छोड़ दिए हैं। मतलब ये मतलब कुछ हम स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। आप अभी आप क्या बोले, हम पत्रकारिता यही ना धमकी, आप धमकी क्या दे रहे हैं? हम पत्रकारिता करके छोड़ चुके हैं, छोड़ का पत्रकारिता, अभी आप क्या कर रहे हैं? पत्रकारिता कर रहे हैं।
हैं या हमारे साथ एक और लड़का पत्रकार जो था वो भी जॉब कर रहा, मतलब वही जॉब करा तो फिर वही ना आप धमकी दे रहे हैं, मतलब वो दलाली कर रहा है, अभी दलाली कीजिए आप, यही ना सुनिए मेरा बात, सुनिए पहले आपका बात सुनेंगे, हम पता है दैनिक भास्कर दैनिक जागरण जो करेंगे लिखते थे हम लोग ना, मतलब इनके कहने का मतलब है वो मेरा जो दोस्त है, हम भी पत्रकार थे, मेरा दोस्त भी पत्रकार था, वो दलाली करके पत्रकारिता कर रहा है, आप भी उसी में घुस जाइए, समझ रहे हैं ना, इस ढंग से ये व्यवहार करते हैं, हम पत्रकार हैं छोड़ चुके हैं, मतलब ये पत्रकार थे छोड़ चुके हैं, अभी ये कार्यपालक अति के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर ये घूम रहे थे, हम इनसे सीधा सवाल जवाब किए तो ये आप कौन है कहाँ है, यहाँ पे अगर रहते तो आपका चेयर खाली नहीं रहता, सीधा अगर गलती किया तो मानिए, हम जो पूछ रहे हैं सर अगर गलती किया तो मानिए, इतना बकवास करने की कोई गलती की है ना, अब नहीं होगा गलती, अब गलती नहीं होगा, ठीक, क्या नाम बताए, कितना बार बार बताए, मेमोरी आपका ना, देखिए ठीक है, अभी ये गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा सर, गलती नहीं होगा, नहीं होगा और क्या। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।